वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो गाइस, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं ये अंडर सीट वूफर इस क्रेटा में, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम ज़रा सा भी अपना जो लगेज स्पेस है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, एंड हम नहीं चाहते कि बहुत हैवी सेटअप हो। वी जस्ट वॉन्ट अ नाइस एंड सटल साउंड। सो टुडे वी आर इंस्टॉलिंग दिस एंड आई शो यू द होल प्रोसीजर। आई शेयर विद यू ऑल दैट। गाइस, जैसे कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ एंड मैं अब गाड़ी में अंदर आके मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ये है गाइस अंडर सीट वूफर पायनियर का, एंड आपको इसमें कोई एडिशनल एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें अंडर सीट वूफर के ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट एम्प है, सो यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा। यू जस्ट नीड टू प्लग दिस विद योर कंपनी फिटेड सिस्टम एंड यू कैन एन्जॉय द डीप बेस। सो गाइज, नाउ आई एम डूइंग अ क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं अभी एक अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या जो इसके बॉक्स कंटेंट्स होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पायनियर का 130 सीरीज़ का अंडर सीट वूफर है। इसके साथ ये आपको वायरिंग ऑलरेडी मिलेगी इसके साथ, जो कि मैं आपको अभी इसमें खोल के दिखा रहा हूँ। एंड आप सभी देख सकते हैं इसमें कपलर्स वगैरह सब जो इसमें यूज़ होंगे वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड हैं। आपको एडिशनली इसमें सिर्फ और एक RC लीड एंड एक हाई लो कन्वर्टर परचेज करना होगा एडिशनली, अगर आपका कंपनी फिटेड सिस्टम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं गाइस, जो इसका मॉडल नंबर है, एंड आप देख सकते हैं इसका फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी हैवी वेट में है एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जो आपका इसमें जो बेस आएगा वो एकदम सटल आएगा, मींस जैसा आपका बहुत ही हाई एंड ऑडी BMW कार्स में आता है वैसा बेस आएगा, जो बाहर सुनाने वाला बेस नहीं आएगा। ये इसके पूरे कपलर्स हैं गाइस। अंडर सीट वूफर लगवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी फालतू की वायरिंग इधर उधर नहीं होती, आपको कोई कभी आप एम्प से सेटिंग नहीं करवानी पड़ेगी, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल एकदम अंदर अंदर होता है सारी वायरिंग, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो इसके फ्लैप्स हैं, प्लास्टिक फ्लैप्स हैं, उन्हीं के अंदर से इसके अंदर वायर जाएगी और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। ये जो येलो कलर की जो वायर है आप लोग देख सकते हैं, अभी हम जो अंडर सीट वूफर है वो हम को पैसेंजर साइड पे लगा रहे हैं, मींस ड्राइवर के साथ वाली सीट में लगा रहे हैं, तो इसकी सारी वायरिंग हम उसी साइड से अरेंज कर रहे हैं। आप इसको ड्राइविंग सीट पे भी लगा सकते हैं एंड वहाँ से। इसी के साथ आपको इसके साथ कंट्रोलर मिलेगा जो कि बेस कंट्रोलर है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं इजीली। ये जो बेस कंट्रोलर है गाइस, आप इसमें जो देख रहे हैं इससे आप बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डीप हार्ड बेस चाहिए, सॉफ्ट बेस चाहिए, बेस की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, आपको बेस कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आपको इसके साथ इसके फिक्स्चर्स भी मिलेंगे। इसमें 3M के वेलक्रोज आएंगे जिससे आप अपना जो रिमोट कंट्रोलर है उसको जहाँ चाहें वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं जो ओरिजिनल वायरिंग है ये बिल्कुल उसकी वायरिंग के साथ साथ ही जाएगी, एंड यहीं पे ही हम अपना हाई लो कन्वर्टर भी लगाएंगे। सो गाइस, ये है हाई लो कन्वर्टर। ये कन्वर्टर यूज़ किया जाता है इसको लगाने के लिए। सभी कुछ प्लग एंड प्ले होता है आपका, आपको कोई इसमें इशू नहीं आएगा, कोई ज़्यादा खोला खाली नहीं करनी पड़ती। एंड ये है RC लीड जो आपको एडिशनली परचेज करनी पड़ेगी, ये इस सिस्टम के साथ में नहीं आती है। आपको RC लीड और हाई लो कन्वर्टर ये आपको एडिशनली परचेज करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी ऑलमोस्ट 50% इसका काम हो चुका है। टोटल जो इसका इंस्टॉलेशन टाइम है रफली आप मान लीजिए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में आपका ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी वायर, जो अभी हम इसमें बैटरी से इसका पावर का कनेक्शन लेंगे, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। ये सिंगल वायर जा रही है जो कि बैटरी कनेक्शन के लिए है, एंड जो दूसरी वायर होगी वो हम बॉडी में अर्थ लेंगे। अभी हम RC लीड हम अपने हाई लो कन्वर्टर में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हमने वायर्स कट नहीं की हैं, सिर्फ स्लिट करी हैं ताकि हम उसमें करंट पहुंचा सकें। और आप देख सकते हैं हाई लो कन्वर्टर हमने साइड में ही ये डाल दिया है, एंड जो आपकी ओरिजिनल वायरिंग है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई परमानेंट कट नहीं है। कट एंड स्लिट में गाइस फ़र्क होता है, कट होती है वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, और स्लिट होती है सिर्फ और सिर्फ, स्लिट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने जो अंडर सीट वूफर है उसके पीछे दो RC लीड्स के कपलर लगाए हैं, जिससे हम जो हमारी ग्रीन कलर की एक्सटेंडेड RC केबल है, RC लीड है, उसको हम अंडर सीट वूफर के साथ कनेक्ट कर सके। सो गाइज, अभी हमारा सेटअप पूरा कम्प्लीट हो गया है, एंड जो हम अंडर सीट वूफर है उसको हम ऑलरेडी सीट के नीचे प्लेस कर रहे हैं पूरा फाइनल।
एंड आप देख सकते हैं ये कितना नीट लुकिंग है और पूरा एग्जैक्टली सीट के नीचे आ चुका है इजीली। एंड कहीं से आपको इवन ये दिखेगा भी नहीं, मैं आपको अभी पीछे से भी दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एकदम आपकी सीट के नीचे फिट हो गया है। Guys, now we have finally installed the under seat woofer unit and we have placed the woofer inside the co-passenger seat as you have already seen. So now I'm playing NCS music and I want you to put on your earphones and headphones so that you could really understand how the deep bass is. And this is not an obnoxious bass, like it's a very subtle sound. So I would highly recommend you to use earphones or headphones just to understand. आप प्लीज़ इसमें ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअल जो साउंड है वो कैसा है. सो स्टे ट्यून्ड, नाउ आई एम प्लेइंग इट. So guys, I hope you like this video and you properly understood what we are talking about. And आप इस underseat woofer के बारे में काफ़ी exactly आप समझ गए होंगे कि इसका कैसा sound है. इसका sound आपको बाहर सुनाने के लिए नहीं है, अगर आप बाहर के लोगों को सुनाना चाहते हैं तो go for an actual woofer and amplifier. This is just a subtle. आप अगर आपकी कार में, अगर आपकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, आप लगेज स्पेस यूज़ करना चाहते हैं एंड आप नहीं चाहते कि पीछे आप ज़रा भी स्पेस ऑक्यूपाई होए, सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें आपके बिल्कुल भी स्पेस यूज़ नहीं होगा एंड आई एम श्योर कि जो को पैसेंजर सीट है उसके नीचे कोई भी स्टोरेज यूज़ नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार में सीएनजी भी लगी हुई है एंड आप चाहते हैं कि एक अच्छा साउंड आए और एक बेसी साउंड आए, सो यू कैन इंस्टॉल दिस यूनिट. एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. चाओ.